हेलो एवरीवन, दिस इज तानिया दिस साइड। फिर से हम आ चुके हैं टुवर्ड्स टाइटन स्टॉक और यहाँ पर और एक टाइटन है एंड दिस टाइटन विल टॉक अबाउट कि स्ट्रगल्स कैसे फेस करनी है, किस तरीके से बूस्ट अप करना है, किस तरीके से हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है और किस तरीके से अपना नाम भी बनाना है। दैट पर्सन इज नन अदर देन देवेंद्र सिंह जी, विच इज बेटर नोन एज देव अलोन। हेलो एवरीवन, दिस इज तानिया दिस साइड। हमारे साथ आज एक और टाइटन जुड़े हैं और वो टाइटन और कोई नहीं है, इट इज़ देवेंद्र सिंह। देव अलोन के नाम से जाने जाते हैं एंड बहुत ही रेप्यूटेड हैं और हम सुनते रहते हैं तकलीफ़ें कि मेरे पास ये डिवाइस नहीं है, मेरे पास ये फ़ोन नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास डायमंड्स नहीं है, ये स्किन नहीं है। बट टुडे वी हैव दिस टाइटन, पूरी की पूरी अपनी जर्नी बताएंगे कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में एंट्री ली थी और इतना रेप्यूटेड नाम कैसे बना लिया। So we'll initiate with a small introduction, Devendra Singh ji. Hello guys, 21 की उम्र, 22 की आवाज, नहीं गलत हो गया मेरा introduction, 22 की उम्र, 40 की आवाज, कैसे हो सब लोग? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने ई स्पोर्ट्स में एंट्री कैसे ली, क्योंकि ई स्पोर्ट्स 1.5 साल से ही मर्ज होते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी इससे पहले से फ्री फायर वर्ल्ड में भी हैं, इससे पहले से भी गेमिंग कम्युनिटी में हैं। तो वी वुड वॉन्ट टू नो अ लिटिल बिट कि आपने कैसे इनिशिएट किया, आगे कैसे बढ़े और आज आप जो हो, एक स्टैम्प है देव अलोन का, वो किस तरीके से आपने हासिल किया। हमने स्पोर्ट्स में एंट्री ली थी 2018 में ही, जब कोई जानता भी नहीं था कि स्पोर्ट्स होता क्या है। तो तब से ही मन में था, क्योंकि दूसरे गेम से हमको पता था कि इसमें भी एक फ्यूचर बना सकते हैं, तो प्रैक्टिस तब से ही चल रही थी हमारी। फिर 2019 में FFIC आया, ITL आया, तो उसमें हमने पार्ट लिया। उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए, सेमीफाइनल तक तो सफर तय किया था, लेकिन काफ़ी अच्छा गया था। उस सीनेरियो में भी हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो इससे नाम भी बनता चला गया धीरे धीरे। ओके, सो दो, ये जो लग रहा है कि अभी अभी आए हो, 2.5 साल, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स का ग्राइंड है, प्रैक्टिस है, पार्टिसिपेशन है, लेकिन करंटली अगर हम देखें तो आपकी टीम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही इनटू द क्वालिफायर्स ऑफ द ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, क्योंकि FFIC के अंदर भी यू अद है, बट देन अल्टीमेटली टॉप 12 में आप नहीं आ पाए। तो वॉट इज़ द रीज़न, कहीं पर आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि 2.5 साल की प्रैक्टिस के बावजूद अगर हम आपको टॉप कॉम्पिटिशन्स में नहीं देख पा रहे, तो वॉट इज़ इट? इसका रीज़न मैंने कि अभी मेरा ध्यान जो है ना, वो कंटेंट क्रिएशन पे चला गया है और ई-स्पोर्ट से थोड़ा सा हट गया है, तो माइंडसेट अभी वो नहीं रहा है, तो यही मेन रीज़न है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी टीम खेलती है, मेरे थोड़ा सा नहीं खेल पाता हूँ, टाइम भी कम मिलता है, पूरा दिन निकल जाता है लाइव स्ट्रीम करो, वीडियोज़ बनाओ, इन सब में, तो दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना भी पॉसिबल नहीं है ना, तो वही हो रहा है अभी। येस, डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा हो रहा है कम्युनिटी के लिए जो कंटेंट बनाते हैं, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल हो रहा है और आपके जो कंटेंट क्रिएशंस है वो ऑलरेडी आप प्रमोट कर रहे हो कि ई स्पोर्ट्स में कैसे एंट्री करें, हाउ इज़ फ्री फायर हेल्पिंग यंग पीप्स, क्योंकि देखो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट एरा जब हमें एंट्री लेनी है एंड तब हमने एंट्री ले ली थी जबकि दूसरे को इतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन आज हर एक घर में मोबाइल डिवाइस है, हर एक घर में इंटरनेट है, उसके चलते वेस्ट करना इस रिसोर्सेस को या फिर उसे आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। आपके कंटेंट के अंदर हमेशा मैं एक पॉजिटिव नोट देखती हूँ, तो व्यूअर्स को प्लीज वो पॉजिटिविटी थोड़ा सा टाइटन टॉक्स में भी बताइए। पॉजिटिविटी यही है कि जो काम आप कर रहे हो ना, उसमें खुश रहो, चाहे थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, बस उस काम को करते जाओ और अपने काम में पूरा ध्यान लगाओ, पूरा पैशन लगा दो, तब कुछ सक्सेस के रास्ते आप बढ़ पाओगे। यस, एब्सोल्युटली, पैशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपका करंट पैशन क्या है देवेंद्र सिंह जी? अभी मेरा करंट पेशन गेमिंग है, नॉट ओनली फ्री फायर, मैं और भी बहुत सारे गेम्स खेलता रहता हूँ, तो मैं हमेशा गेमिंग से जुड़ा रहा हूँ और हमेशा जुड़ा रहूँगा, तो मैं एक गेम पे रह नहीं सकता हूँ, यही प्रॉब्लम है कि ई स्पोर्ट्स भी अभी होल्ड पे डाला हुआ है फ्री फायर का, तो मैं दूसरे गेम्स भी खेल रहा हूँ करंटली, इसलिए मेरा पैशन यही है, हमेशा रहेगा, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो पैशन की वजह से आप आज जो हैं वो डेफिनेटली आप पैशन को पूरे का पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप आपकी कोई चॉइस की चीज़ करते हो तो ज़्यादा दिल से करते हो, ज़्यादा मन लगा कर करते हो, ज़्यादा मेहनत से भी करते हो, तो मेहनत तो नज़र आती है आपके अंदर से, क्योंकि स्क्रैच से गुरु ग्रो हुए हो। तो शुरुआत में क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की थी? शुरुआत में मेरे पास फ़ोन नहीं था अच्छा, ना इंटरनेट था गांव में, तो मेरे को छत पे जाके गेम खेलना पड़ता था, तो
जहाँ पे अच्छा नेट थोड़ा बहुत चले उसमें भी पिंग हाई रहता था तो गेम अच्छे से नहीं चलती थी। और इसके अलावा तो मैं सिटी में जाता था, वीडियोस डाउनलोड करता था गेम की और फिर वापस आके उन्हीं को देखा करता था। गेमिंग इतना ही रह गया था मेरा गांव में, बस इतना ही सफर था। तो कुछ सालों तक ऐसे ही चला, फिर धीरे धीरे गाँव में इंटरनेट अच्छा हुआ, फोन मिला जैसे ही, तो फिर हमने कम बैक किया गेमिंग में फिर से एक बार फिर। So were there any sponsors या फिर आप अपने आप से खुद ही से सब कुछ मैनेज कर लिया पेरेंट्स की हेल्प लेकर? क्योंकि ये जब ई-स्पोर्ट्स करियर में कोई भी जाता है फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि सोसाइटी को कह लो फैमिली को कह दो यही कहते हैं गेम खेलता रहता है बच्चा सारा दिन, ये एक हेट फैमिली की ओर से भी मिलता है, तो फैमिली सपोर्ट भी इम्पोर्टेंस रखता है। सो हाउ वॉज योर फैमिली अबाउट यू? मेरी फैमिली ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया था किसी चीज़ के लिए, गेमिंग के लिए तो कभी नहीं। उन्होंने बोल दिया था पहले अपने आप को इस फील्ड में प्रूफ करके दिखाओ हमको कि तुम कुछ कर सकते हो, तो तब हम कुछ हेल्प करेंगे। तो हमको एक स्पॉन्सर मिला था शुरू में, लेकिन फिर बाद में बात नहीं बन पाई उतनी अच्छे से। ओके, तो फिर फैमिली का सपोर्ट आपने कैसे गैदर किया? फैमिली का सपोर्ट गैदर किया मैंने यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके, स्टार्टिंग में एक अच्छा गेम प्ले के वीडियोज अपलोड करके, तो वो वायरल हुए। तो फिर फैमिली को भी लगा कि ये कुछ कर सकता है इस फील्ड में, तो उन्होंने थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाया, अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड किया मेरे को और घर से बाहर निकलने दिया। ओके, सो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो पहले तो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स शुरू किए होंगे, क्योंकि तब के टाइम में मुझे नहीं लगता 5,000 का प्राइस पूल का मतलब ये हुआ करता था कि ओहो बहुत बड़ी इवेंट है, आज लाखों करोड़ों पर बात चली गई है। तो पेरेंट्स क्या फील करते थे जब छोटे छोटे टूर्नामेंट्स जीत कर आना, प्राइस पूल लेकर आना, क्योंकि गेम से पैसे कमाना आज के टाइम में भी काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं समझ रहे हैं, एंड वी वॉन्ट द एनकरेजमेंट टूवर्ड्स द पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन कि कन्विंस कैसे किया जाए, क्योंकि फ्यूचर तो है और डेफिनेटली है, यू आल्सो नो, वी आल्सो नो, एंड सम ऑफ आवर ऑडियंस आल्सो नो। तो होता ये था उस टाइम पे छोटे छोटे टूर्नामेंट होते थे 2K का 5K का, तो हम उसमें पार्ट करते थे, कभी जीत नहीं पाते थे लेकिन थर्ड आ गए, सेकंड आ गए, तो इसी भी अच्छा खासा पैसा, जैसे 800 रुपए उस जमाने में बहुत मैटर रखते थे, आज की डेट में नहीं होंगे लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता था, उससे हमारा गेम का खर्चा भी निकल जाता था और भी बहुत सारी चीजें होती थी। और मुझे याद है उस टाइम पे ब्लू स्टिक के टूर्नामेंट खेला करते थे जिससे फ्री फायर का सारा खर्चा मेरा निकल जाता था आसानी से, सोलो खेल के भी, सोलो टूर्नामेंट से भी। ओके, सो इनिशिएट ब्लू स्टैक से किया, फिर डिवाइस लिया, और अब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो और आपकी खुद की टीम भी है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, तो टीम में सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेरा टीम में सबसे फेवरेट प्लेयर है सोंटी, वो एक असॉल्टर है प्लस फ्लैंकर भी है, दो काम करके देता है एक साथ। ओके, और जो एक ऐसा प्लेयर जिससे आपको चिल्लाना पड़ता है? ऐसे प्लेयर तो सभी हैं कि वो अभी लर्निंग स्टेज पे, तो सब पे चिल्लाना पड़ता है एज ए लीडर, ये तो काम ही है। और जिद्दी, सबसे ज्यादा जिद्दी? सबसे ज्यादा जिद्दी सांप है, एचएस सांप। ओके, नाम ही सांप है। तो जहर उगलता है कभी या फिर खाली पालतू सांप? जहर तो उगलता है, जहर तो बहुत डेंजरस उगलता है। ये अच्छा फनी नेम यस। और कास्टिंग में भी है ना अच्छा लगता है कि सांप आ चुका है फील्ड में रेंग रहा है, किसे काटेगा, वी जस्ट जोक अराउंड विद द नेम एज वेल। जोक्स अपार्ट, परफॉर्मेंस सांप की भी काफी अच्छी है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सांप का रोल भी फ्लैंकर का है। फ्लैंकर का रोल है उसका भी, क्योंकि टीम से काफी बिखरे हुए खेलते हैं, एंड जी तो सही बोला। जी फ्लैंकर का रोल है, टीम से बिखरे हुए भी खेलते हैं, एंड काफी बार इट इज अ गेम, काफी बार जीतते हो काफी बार हारते हो, सो वी कैन नॉट ऑलवेज ब्लेम हिम। एक ऐसा प्यारा सा टीममेट जो आपकी हर बात एक आवाज में मान ले? ऐसा प्यारा सा टीममेट सोंटी है, वो एक बार में सब सुन लेता है, समझ लेता है और गेम को काफी अच्छे से रीड करता है कि पूरे मैच में करना क्या है। वो हमारी टीम का हीरा कह सकते हो उसे हम। ओके, डायमंड प्लेयर शॉन्टी है आपकी टीम का, और आपके चारों स्क्वाड नेम्स क्या हैं जो आपकी मेन स्क्वाड है? अभी मेरी मेन स्क्वाड में है एचएस रिबो, शॉन्टी, साइको एंड टी बलून, और फिफ्थ प्लेयर है सांप, जब जरूरत मैं नहीं खेलता हूं तो मेरी जगह ही खेलता है वो। टीम काफ़ी अच्छी बन चुकी है, एंड अभी ई स्पोर्ट्स भी बढ़ रहा है, टॉकिंग अबाउट फ्री फायर पर्टिकुलरली, हम देख रहे हैं कि फ्री फायर का ग्रोथ एवरी टूर्नामेंट के साथ कुछ अलग लेवल पर चला जाता है। ये साल में भी काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स है, FFCO तो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर ही नज़र आ रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है, पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ, FFCO में हमने क्वालिफाई कर लिया है, तो जैसे ही ये वर्ल्ड सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद से स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी भी, तो उसमें भी हमारी टीम आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली से है वैसे FFCO में, सिटी ओपन है, उसमें मैं नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ।
प्रॉब्लम हो गई रीजन की. ओके सो आपकी टीम डेफिनेटली आपको आई मीन तो ठीक है एक ही बात हो गई जब योर टीम इज डेफिनेटली पार्टिसिपेटिंग तो क्या प्रिपरेशंस चल रही है क्योंकि जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा टूर्नामेंट्स और डिफिकल्ट होते जाएंगे तो पार्टिसिपेशन के लिए प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट होने वाली है. सो क्या क्या दिक्कतें हैं क्या प्रैक्टिस कर रहे हो किस तरीके से आगे बढ़ोगे जी. अभी तो मैं अपनी टीम के लिए कोच का काम कर रहा हूँ एज ए कोच. लीडिंग का काम मेन तो वही संभाल रहे हैं तो कोचिंग के रूप में मैं उनको बताता हूँ उन्होंने गेम में क्या मिस्टेक्स की पूरा लर्न कर लेता हूँ कि उन्होंने कहाँ गलती की कैसे की तो उनकी सारी गलतियों को मैं ही देख रहा हूँ हैंडल कर रहा हूँ. ओके सो एज अ कोच एज अ लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी डबल हो जाती है. ऐसा लगता है कि आप खेल नहीं रहे हो लेकिन आप चार प्लेयर्स को एक साथ हैंडल करके खेल रहे हो तो जब इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है जैसे क्वालिफायर स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि क्या हमारी टीम क्वालिफाई हो जाएगी तो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो. प्रेशर हैंडल करने में जैसे छोटे मोटे टूर्नामेंट होते हैं जो अनऑफिशियल है ना के तो उसमें तो हम प्रैक्टिस के लिए ओनली रस खेलते हैं कि जीतना हारना मैटर नहीं करता कि हम अपनी स्किल्स डेवलप करें सामने वालों की 4v4 में फाइट करें तो उसमें थर्ड पार्टी हो जाता है कोई बात नहीं चलेगा. लेकिन जब मेन टूर्नामेंट होता है FFIC हो गया या फिर ये सिटी ओपन हो गया उसमें दिखाते हैं मेन गेम प्ले उसमें स्ट्रेटेजी पूरी एग्जीक्यूट कर देते कि कैसे करना है क्या करना है कहाँ से रश करना है तो वो चीजें. यस यस आपको पूरा प्री प्लान करके आना पड़ता होगा कि क्योंकि अब ऐसा हो गया कि हर एक टीम के ड्रॉप स्पॉट्स हैं हमें ऑलरेडी पता है व्यूअर्स के ऑलरेडी पता है तो आपको एक प्री प्लानिंग आपको भी मौका मिल जाता है कि अगर ये दो टीम यहाँ जाएंगी तो हम यहाँ जाके यहाँ से यहाँ ये एंगल में रश करेंगे. फेवरेट मैप कौन सा है बरमूडा पर्गेटोरी कालाहारी. मेरा फेवरेट मैप बरमूडा है. और वेपन स्टार है लेकिन वो टूर्नामेंट में चला नहीं सकते एट्रीब्यूट्स ऑफ रहते हैं तो उसकी वजह से M60 प्रेफर कर रहा हूं आजकल. ओके M60 से यू आर एबल टू पिक द किल्स क्योंकि M60 का फायरिंग रेट एंड अटैक अच्छा है लेकिन काउंटर के अंदर और अच्छे वेपन्स आ चुके हैं इमर्ज हो चुके हैं कि M60 का डैमेज कंपैरेटिवली कम लगता है जी. तो आर यू सैटिस्फाइड. मैं लॉन्ग रेंज में ज्यादा फाइट नहीं लेता हूँ मेरी टीम लेती है वो काफी अच्छा है हमारी टीम का लॉन्ग रेंज तो उनको प्रॉब्लम होती है शॉर्ट रेंज और मेरा शॉर्ट रेंज काफी अच्छा है तो मैं हमेशा शॉर्ट रेंज में ही घुसने की ट्राई करता हूँ तो वो मेरा मोटो रहता है तो पीछे से बैकअप मिल जाए बस शॉर्ट में फाइट हो जितना भी हो मेरा ये मानना है. परफेक्टली टीम सपोर्ट सबसे बड़ा मोटिव है आपका दैट इज टोटली इंडिकेट लीडरशिप क्वालिटी नजर आ रही है आपके अंदर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये वेपन चॉइस. आपकी टीम का स्नाइपर कौन है. हमारी टीम में एक स्नाइपर मैन है साहिल लेकिन वो अभी कम खेल पा रहा है क्योंकि कोविड है बहुत सारे पर्सनल रीजन है उसकी वजह से लेकिन वो दिखाई देता है. अभी नया हायर किया है हमने साहिल नाम का हॉक साहिल स्नाइपर मैन है. चलो ग्रेट क्योंकि स्नाइपर की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है जी. क्योंकि कवर फायर देना हो स्नाइपर हमेशा होता है और डिस्टेंस में भी बैटल पिक करनी है स्नाइपर होता है और वैसे लॉन्ग रेंज की बैटल में काफ़ी डिफिकल्टी एटलीस्ट कास्टर्स को भी होती है. नॉक करोगे रिवाइव होगा हील होगा आगे चलते जाओगे कुछ रिजल्ट नहीं आता है. तो एज यू आर असॉल्टर क्लोज रेंज रशर असॉल्टर जो कुछ भी कह लो दैट इज़ योर प्ले तो लॉन्ग रेंज बैटल प्रेफर करते हो या फिर क्लोज रेंज बैटल. मैं हमेशा शॉर्ट रेंज बैटल प्रेफर करता हूँ कि लॉन्ग रेंज में मेरे टीममेट्स नॉक निकाल के थे और मैं रश करूँ मेरे साथ एक बंदा हो वही मेरा गेम प्ले रहा है शुरू से और बाकी पूरी माइंड स्ट्रेटेजी सर्वाइविंग स्किल्स हमारी काफी इम्प्रूव है. अगर जब भी मैं खेलता हूँ तो हम सर्वाइव करके टॉप 3 टॉप 4 में आ ही जाते हैं ओनली सर्वाइविंग बेसिक्स पे नो किल्स. लेकिन किल्स करने की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा टीम मात खा जाती है क्योंकि डिवाइसेज इंटरनेट ये मैटर कर जाता है और हमारी टीममेट्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं है अभी ये भी एक मेन प्रॉब्लम है. ओके इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं जिसके चलते डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. तो व्यूअर्स आप देखिए इतने बड़े लेवल पे जाकर भी डिफिकल्टी हो रही है इसका मतलब ये नहीं आप रुक जाएंगे. दे आर गोइंग अहेड नॉट स्टॉपिंग गिविंग द फुलेस्ट एंड प्लीज टू द व्यूअर्स आप समझाइए कि आप पैशन विच यू सेड ऑलरेडी उसे ही एक्सप्रेस थोड़ा एलाबोरेट करके करिए सो दैट व्यूअर्स गेट एन एडवांटेज क्योंकि आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ से आप लाखों को इंस्पायर कर सकते हो. और इसके अलावा उनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते लेकिन वो फिर भी अपना बेस्ट दे रहे हैं. वो इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते लेकिन घर वालों का सपोर्ट मिले अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड हो उनके एरिया में इंटरनेट भी अच्छा नहीं है तो इसलिए भी कभी कभी रह जाते हैं कसर रह जाती है थोड़ी बहुत.
और आप अगर आपको कोई इंस्पिरेशनल वर्ड्स कहने होते टू द यूथ जो एंटर होना चाहती है स्पोर्ट्स में फ्री फायर के अलावा भी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बिगिन में कहीं से नहीं आने वाला, वी ऑल नो दैट, ना ही यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के सीधा आपके हाथ में बड़ा सा फ़ोन दे दिया जाए कि आप खेलने लग जाओ. पेरेंट्स को कन्विंस करना, खेलना, हाउ वुड यू पैक इट अप इन टू अ शॉर्ट गुड नोट फॉर द व्यूअर्स? मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपके पास जो भी डिवाइस है, जितना भी लेग होता है, उस डिवाइस पे भी गेम खेली जा सकती है. अगर आप उसमें अपना बेस्ट प्रैक्टिस करके अपना बेस्ट गेम प्ले निकाल सकते हो, तो सोचो आपके पास अगर अच्छा डिवाइस आएगा तो आप क्या कर सकते हो. तो जो आपके पास है ना, उन रिसोर्सेज में अच्छा करके दिखाओ. जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल शॉन्टी है, आप उसका गेम प्ले देखना, हमेशा किल्स निकाल के देगा, लेकिन उसके पास ना फैमिली सपोर्ट है, ना अच्छा डिवाइस है, ना अच्छा इंटरनेट है, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे कर लेता है ये सब चीजें मैनेज. येस एब्सोल्युटली, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू इन. अगर आप आपकी साइड से कुछ पर्टिकुलरली व्यूअर्स को, ऑडियंस को बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए. मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी गेम्स में जाना है या इस फील्ड में उतरना है तो प्रैक्टिस मेन चीज है. प्रैक्टिस दे, टाइम दे अपना, और साथ में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, ये नहीं कि उसको आप छोड़ दें. तो इन दोनों को मैनेज जिसने कर लिया ना, तो वो इस फील्ड में सक्सेस हो सकता है. आप कितने घंटे की प्रैक्टिस कर लेते होंगे पर डे? क्योंकि ई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में भी ऑलमोस्ट आप टॉप लिस्ट में आ जाते हो, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो एज यू सेड, तो कंटेंट का भी फोकस क्या है वो आप नेक्स्ट बताइए आफ्टर गिविंग द प्रैक्टिस आवर्स. 10 to 11 आवर्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, आपको देने पड़ेंगे अगर ई स्पोर्ट्स में सीरियसनेस है तो. या तो टीम को देने पड़ेंगे या खुद खेलना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी. और दूसरी चीज है कि कंटेंट के ऊपर, तो वो मेरा पैशन है गेमिंग, वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता. तो मैं अलग अलग गेम्स, जो भी नई गेम्स आती है तो मेरे को रहता है कि इसको खेलना है, तो वो मैं करता रहूंगा, वो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो हमेशा रहेगा, उसके लिए मैं पैशनेट हूँ. और क्योंकि आप पैशनेट हो, नए नए गेम्स एंगेज करते हो, हेट भी मिलता है, जितना प्यार मिलता है, तो वो हेट को कैसे टैकल कर रहे हो? कोई बुली करता है कुछ भी, आप उसे कैसे टैकल करते हो? अगर कोई बुली करता है तो सबसे अच्छा टैकल तो यही है कि उसे इग्नोर कर दो. अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे तो उस पर कोई जोक बना दो या उसी पे हंस लो, ये मुझे गाली दे रहा है ही ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं. उसको भी टैकल किया जा सकता है जिससे वो भी समझे या फिर वो भी कुछ ऐसा ना लिखे. और हेट को कैसे टैकल करते हो? बुली को तो ठीक है आप इग्नोर कर दोगे, हेट एक ऐसी चीज़ होती है जो अब हम एक्सप्रेस नहीं करते, दिल में डिस्टर्ब करके रख देती है, जिसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट आ जाता है. तो हाउ आर यू कोपिंग दैट? देखो, हम मैच खेलते हैं, हारते हैं, तो हेट तो मिलेगी ही मिलेगी. तो हेट का टैकल ऐसे किया जाएगा कि उसको टोटली इग्नोर मार दो और अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे या कहीं पे फोकस दो. अगर दोबारा से हारते तो कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है, आगे फिर से चांस मिलेगा, फिर से उठोगे, फिर से लड़ोगे, ये चलता ही रहेगा. एब्सोल्युटली, थैंक यू देवेंद्र सिंह जी आपके आने के लिए. इट वॉज प्लेजर हैविंग यू इन एंड हेल्पिंग द व्यूअर्स. इसके आपको भी जानने के लिए मौका मुझे मिला है. सो इट वॉज ग्रेट नोइंग स्ट्रगल सबकी लाइफ में आती है, फैमिली सपोर्ट सबको नहीं मिल पाता है, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. फैमिली सपोर्ट ना होने के बावजूद, इंटरनेट की तकलीफ होने के बावजूद, स्टिल ही इज़ द मैन टूडे वॉट ही इज़ नोन एज, देव अलोन रेप्यूटेडली विद ऑल फोर स्क्वाड प्लेइंग नॉट ओनली इन ई स्पोर्ट्स बट कंटेंट क्रिएशन में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.